खेले कूदे दौड़े संग नाचे कूदे झूमे संग, खेले कूदे दौड़े संग नाचे कूदे झूमे संग। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम शोर। बाजार की तरफ के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और पर्दे भी खींच दो। ओफो, कैसे रहते हो तुम लोग इस शोर में? क्यों, क्या हुआ दादाजी? बाहर मोटर गाड़ियों का शोर और घर में ये तेरा रेडियो। चारे, चारे। मेरा तो सिर चकरा गया। दादाजी यहाँ तो ऐसे ही शोर होता है। इतने शोर में रहकर तुम्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ रही है। कितना शोर होता है यहाँ पर? दादाजी ये तो कुछ भी नहीं है। सामने वाले पार्क में जब कोई शादी होती है तो पूरी रात तेज तेज गाने बजते हैं। नीरज, फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होता है? कैसे सो पाते हो तुम लोग यहाँ? पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होती, नींद भी बस ऐसे ही आती है। सवेरे स्कूल जाने के लिए भी तो उठना ही पड़ता है। तो क्या मोहल्ले वाले भी शिकायत नहीं करते? शिकायत कौन करेगा, कभी ना कभी तो सभी के यहाँ ऐसा मौका आता है शादी ब्याह का। पर बेटा नीरज, इतना शोर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शोर से उत्तेजना बढ़ती है, कोई घबराहट होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। परीक्षा के दिनों में मैं तो कानों में रुई ठूंस लेता हूँ। ये तो ठीक है, पर किसी के घर कोई बीमार हो तो यहाँ के शोर में वो तो आराम से सो भी नहीं सकता। कैसे सोएगा कोई? पिछले हफ्ते माँ को बुखार था और पड़ोस में शादी। माँ पूरा दिन कानों पर शॉल लपेटकर दरवाजा बंद करके लेटी रही। अरे पता नहीं कहाँ की बातें चल रही हैं इतनी देर से। बहू कब से बुला रही है, अब चलकर खाना खा लो। हाँ हाँ हम आते हैं। अरे जल्दी आना, बहू इतनी देर से आवाजें दे रही थी। भगवान, तुम खाना तो लगवाओ। ठीक है, अब देर मत करना। उफ, ये देखिए अब ये हवाई जहाज का शोर, इसे कौन कम करे, इससे भी तो शोर होता है। हाँ ये तो है। और ये तुम्हारे घर के पास रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ियों की सीटियां, भाई सुन सुन कर तो मेरे कान फटे जा रहे हैं। हर तरफ शोर ही शोर, क्या करें? देखो नीरज, कम से कम अपने घर का शोर तो कम कर ही सकते हो तुम। रेडियो टीवी आदि धीमी आवाज में सुन सकते हो, बर्तन वगैरह बिना आवाज किए उठा सकते हो, रख सकते हो, इससे भी शोर कम होगा। दूर से चिल्लाने की जगह पास जाकर बात करो। सड़क पर घंटी हॉर्न जब जरूरी हो तभी बजाओ। लेकिन ऐसा केवल हमारे करने से क्या होगा? देखो नीरज, पहले खुद तो करो फिर दूसरों को बताना, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। और अब हाँ देखो, जैसे दिवाली आने वाली है ना,
तो अलग अलग पटाखे न जलाकर सारे मोहल्ले वाले मिलकर पार्क में पटाखे जलाओ, ज्यादा आनंद आएगा और खुली जगह पर शोर भी कम महसूस होगा। पता है दादाजी, पिछली दिवाली पर गीता तो बम की आवाज से बेहोशी हो गई। अच्छा, जब होश आया तो चारपाई के नीचे जाकर छुप गई। सब बच्चों ने उसे खूब चिढ़ाया डरपोक डरपोक कहकर। हाँ भाई, आवाज सहने की देखो नीरज, सबकी एक सीमा होती है। किसी को तो थोड़े से शोर से सिर दर्द होने लगता है। आता हूँ भाई, आता हूँ, जरा सब्र तो रखो। अरे नीरज, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम लोग जल्दी से खाना खाने जाओ। देखा ना नीरज, तुम्हें भी गुस्सा आया ना? ये माई रोज ऐसे ही करती है। ऐसे ही तो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ये तो गंभीर बात है, मैंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे जब जागे तभी सवेरा। अब बोलो, तुम शोर कम करने में क्या मदद करोगे? मैं रेडियो टीवी ऊंची आवाज में नहीं सुनूंगा। अच्छा, दरवाजे और साइकिल की घंटी फालतू नहीं बजाऊंगा। शाबाश। चिल्लाकर भी बात नहीं करूंगा। भाई वाह। बर्तन धीरे से रखूंगा, दरवाजा भड़ाक से बंद नहीं करूंगा, और जी बस। मेरा अच्छा बेटा। अरे भाई, नीरज को तो बात समझ में आ गई। आप सब बच्चे भी ध्यान दें कि रोजमर्रा की जिंदगी में शोर कम करें। शोर, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। आलेख शशि जैन, विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, भाग लेने वाले कलाकार डॉक्टर सुरेश शास्त्री, गीता वर्मा एवं अनन्या, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।